हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम इन अ वुड ऑन अ विंडी डे बाय एनी ब्रॉन्टी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनी ब्रॉन्टी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट हु रोट अंडर द पेन नेम एक्टन बेल। तो इस पोएम की जो पोएट है वो एक लेडी है, उनका नाम है एनी ब्रॉन्टी। तो एनी ब्रॉन्टी जो थी वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, पोएट थी, और उनका जो पेन नेम था वो था एक्टन बेल। मतलब उन्होंने अपने जितने भी वर्क किए हैं उन्होंने अपने नॉवेल्स में, अपने पोएम्स में अपना जो नाम यूज किया है वो है एक्टन बेल। शी एंड सिस्टर्स एमिली एंड शार्लोट रोट बुक्स एंड पोएम्स दैट आर कंसिडर्ड क्लासिक्स टूडे। तो ये लोग जो एनी ब्रॉन्टी थी, इनकी और दो सिस्टर्स थी एमिली एंड शार्लोट। तो ये तीनों बहनें जो हैं वो तीनों बुक्स और पोएम्स लिखती थी, और इनकी लिखे हुए बुक्स और पोएम्स आज के टाइम में क्लासिक्स माने जाते हैं। एनी ब्रॉन्टी बेस्ट नोन वर्क इज द नॉवल द टेनेंट ऑफ वाइटफेल हॉल। और एनी ब्रॉन्टी का जो सबसे ज्यादा बेस्ट नोन वर्क जो माना जाता है वो है द टेनेंट ऑफ वाइटफेल हॉल। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। The poet was inspired to write this poem after she took a walk in the countryside on a windy day. तो एनी ब्रॉन्टी को इस पोएम को लिखने का जो इंस्पिरेशन है वो कहां से मिला? वो तब मिला जब वो countryside पर एक windy day, मतलब countryside उसे कहते हैं, मतलब सिटी से थोड़ा हट के बाहर का जो इलाका होता है उसे countryside कहते हैं। तो जब वो एक विंडी डे पर, मतलब वैसा दिन जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, उस दिन जब वो कंट्री साइड पर एक वॉक के लिए गई तभी उन्हें इस पोएम को लिखने का इंस्पिरेशन मिला। द पोएम डिस्क्राइब्स हर लव फॉर वाइल्ड वेदर द कंट्री साइड एंड द सी। और ये पोएम जो है वो एनी ब्रॉन्टी का जो वाइल्ड वेदर और कंट्री साइड और सी के लिए जो लव है उसको डिस्क्राइब करता है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इन अ वुड ऑन अ विंडी डे। वुड मीन्स जंगल फॉरेस्ट एंड विंडी डे मीन्स वैसा दिन जिस दिन बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो। तो इस पोएम में ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है, ऑटम सीजन को ही डिस्कस किया गया है। माई सोल इज अवेकेंड, माई स्पिरिट इज सोरिंग एंड कैरिड अलॉफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ द ब्रीज, फॉर अबव एंड अराउंड मी द वाइल्ड विंड इज रोरिंग, अराउजिंग टू रैप्चर द अर्थ एंड द सीज। सोरिंग मीन्स फ्लाइंग हाई, ऊंची उड़ान भरना। अलॉफ्ट मीन्स इन द एयर, हवाओं में। अराउजिंग मीन्स उत्तेजित करना, एंड रैप्चर मीन्स अ फीलिंग ऑफ इमेंस जॉय, बहुत ही खुशी का जो फीलिंग होता है उसे रैप्चर कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में एनी ब्रॉन्टी कहती हैं कि माय सोल इज अवेकेंड एंड माय स्पिरिट इज सोरिंग। जो हवा चल रही है, जो विंडी डे पर, तूफान वाले दिन पर जो हवा चल रही है, उस हवा से उनकी जो आत्मा है वो जाग उठी है और उनका जो स्पिरिट है वो सोर कर रहा है, मीन्स बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा है। एंड कैरिड अलॉफ्ट ऑन द विंग्स ऑफ द ब्रीज, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो ब्रीज के विंग्स पर, ब्रीज के पंखों पर उड़ते हुए चले जा रही है, और जो ब्रीज के विंग्स है वो उन्हें हवाओं में लेकर चले जा रहे हैं। फॉर अबव एंड अराउंड मी द वाइल्ड विंड इज रोरिंग, और वो आगे बताती हैं कि उनके ऊपर और उनके अराउंड, उनके आसपास जो है वाइल्ड विंड, मतलब बहुत तेज हवा, बहुत ही ज्यादा तेज हवा जो है वो रोर कर रही है, मीन्स दहाड़ रही है। अराउजिंग टू रैप्चर द अर्थ एंड द सीज, और हवाओं की जो वो रोरिंग है, हवाओं की जो वो दहाड़ है, वो दहाड़ एनी ब्रॉन्टी के अंदर अर्थ और सीज की जो इमेंस जॉय की जो फीलिंग है उस फीलिंग को तेजित कर रही है, जगा रही है। The long withered grass in the sunshine is glancing, the bare trees are tossing their branches on high, the dead leaves beneath them are merrily dancing, the white clouds are scudding across the blue sky. Withered means dried up, सूखा हुआ. Glancing means reflecting light. जब शीशे पर सूरज की किरण पड़ती है तो किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसी को glancing कहते हैं. And scudding means moving quickly in a line, एक ही लाइन में जल्दी जल्दी मूव करना. सेकेंड स्टैंजा में पोएट बता रही हैं कि जो लॉन्ग विथर्ड ग्रास है, लॉन्ग जो लंबे लंबे सूखे सूखे घास है, उन पर जब सनशाइन, उन पर जब सूरज की किरण पड़ रही है तो वो ग्लैंस कर रहे, मीन्स
चमक रहे हैं, उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो बेयर ट्रीज है, बेयर ट्रीज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है। और ऑटम सीजन में क्या होता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और सूखकर झड़कर नीचे गिर जाते हैं, तो पेड़ जो है वो खाली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बेयर ट्रीज कहा गया है। तो सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन में पोइट कहती है कि द बेयर ट्रीज आर टॉसिंग देयर ब्रांचेस ऑन हाई। जो बेयर ट्रीज है जिनके पत्ते जो है वो झड़कर नीचे गिर चुके हैं और सिर्फ खाली टहनियां बच गई हैं, उनके जो ब्रांचेस हैं वो हवाओं की वजह से आपस में बहुत हाई, मतलब बहुत जोर जोर से टकरा रहे हैं। द डेड लीव्स बीनीथ देम आर मेरली डांसिंग। और जो पत्ते हैं जो कि झड़कर गिर चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी डांस कर रहे हैं इन हवाओं की वजह से। द व्हाइट क्लाउड्स आर स्कर्डिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। और जो सफेद बादल है वो भी ब्लू स्काई मीन्स नीले आसमान में स्कर्डिंग, जल्दी जल्दी एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो पूरा माहौल है, ये जो पूरा सिचुएशन है, वो किस दिन का है, वो एक विंडी डे का है, जब बहुत तेज हवा चल रही है। तो उस तेज हवा के चलने से जो जो चीजें हो रही हैं, उन चीजों को पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। I wish I could see how the ocean is lashing the foam of its billows to whirlwinds of spray. I wish I could see how its proud waves are dashing and hear the wild roar of their thunder today. Lashing means whipping, beating, fietna. And billows means large waves. बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं उन्हें billows कहते हैं. Whirlwinds means a column of spray moving rapidly round and round in a cylindrical or a funnel shape. मीन्स चक्रवात। तो जब तूफान आता है, जब आंधी तूफान आता है, तो समुद्र का जो पानी है उसकी जो फोम्स होती है, उसके जो वेव्स होते हैं, वो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज राउंड राउंड घूमने लगते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में या फिर फनल शेप में। तो उसे ही वर्ल्ड विंड कहते हैं, यहाँ पर उसे ही वर्ल्ड विंड कहा गया है, चक्रवात को, मतलब समुद्र में जो चक्रवात आता है यहाँ पर उसे वर्ल्ड विंड कहा गया है। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रही है कि जो वेदर है, जिस तरह का विंडी डे है, जैसे तूफान चल रहा है, वाइल्ड विंड चल रही है, तो इस लास्ट स्टैंजा में पोइट अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि काश ऐसे वेदर में वो ओशन की लैशिंग को देख पाती, मतलब काश वो देख पाती कि किस तरह समुद्र का जो पानी है वो पूरा बीट हो रहा है, पूरा फिटा रहा है। द फॉर्म ऑफ इट्स बिलोज टू वर्ल्ड विंड्स ऑफ स्प्रे। और वो देख पाती कि जो ओशन की जो लार्ज वेव्स है, बिलोज मीन्स लार्ज वेव्स, तो ओशन की जो लार्ज वेव्स है वो किस तरह से तूफान की वजह से एक वर्ल्ड विंड की तरह बन गई हैं, एक चक्रवात की तरह बन गई हैं। आई विश आई कुड सी हाउ इट्स प्राउड वेव्स आर डैशिंग एंड हियर द वाइल्ड रोर ऑफ देयर थंडर टुडे। और आगे लास्ट टू लाइन्स में पोएट कह रही है कि काश वो ये सब देख पाती कि समुद्र की जो प्राउड वेव्स हैं उनमें किस तरह से फुर्ती आ गई है, किस तरह से जोश आ गया है, और वो उस वाइल्ड रोर को, उस दहाड़ को, उस थंडर की जो वाइल्ड रोर है उसको सुन पाती। सो दैट्स ऑल। होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है, देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।